सब्सक्राइब करें मिंस रेसिपी चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिंस रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी और आज हम बनाएंगे आम और प्याज की चटपटी चटनी। ये सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और हमारे खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा जो कच्चा आम आता है मैंने लिया है, मीडियम साइज़ का, इस तरह का था ये। मैंने इसे अच्छे से छील के कट कर दिया है। साथ में एक मीडियम साइज का प्याज और 3 हरी मिर्च, थोड़े से पुदीने की पत्ती, धनिया पत्ता। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और इसमें सारे चीज़ों को हम डाल देंगे। सबसे पहले पुदीना और धनिया, इसके बाद हम आम को भी डाल देंगे। और फिर डालेंगे हरी मिर्च और प्याज। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। छोटे चम्मच से मैं यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे हम। आप हरी मिर्च की जगह पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से इसे पीस लेंगे लगभग 1 मिनट तक। तो 1 मिनट के बाद चटनी जो है बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। और अब इसे एक हम बाउल में ले लेंगे। गर्मियों में ये बहुत ही पसंद किए जाने वाला चटनी है, आप इसे ज़रूर बनाएं अपने लंच या डिनर के साथ। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो सिर्फ 2 मिनट में फटाफट चटपटी चटनी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।